ये हम लोग के समाज का जो अपमान अशोक चौधरी जी ने किया है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सम्मान बचाने की लड़ाई है तो अशोक चौधरी को हम लोग वापस भेजने का काम करेंगे। भूमिहार समाज जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूँ कमल नैन। आप देखना शुरू कर चुके दोस्तों फ्री भारत। बेलागंज से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रहा दोस्तों। एनडीए के प्रत्याशी यानी जेडीयू के प्रत्याशी मनोरमा देवी को बेलागंज में लगा झटका। भूमियार समाज के लोगों ने किया विरोध वोट ना देने का। क्या है पूरी खबर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि अशोक चौधरी ने एक बयान दिया था पिछले महीने की भूमियार जहानाबाद में जेडीयू के प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को वोट हासो नहीं दिया था और ये बयान काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे दोस्तों वायरल हुआ। अब है सो दोस्तों बेलागंज के भूमियार है सो दोस्तों अपना मान सम्मान बचाने के लिए अशोक चौधरी को विरोध कर रहे हैं बेलागंज में दोस्तों। यानी भूमियार समाज के लोग है सो अशोक चौधरी एनडीए के प्रत्याशी को दोस्तों साफ है सो विरोध कर। उनका कहना है कि मैं जो भी कैंडिडेट जेडीयू से है या फिर एनडीए से है उनको मैं वोट है सो नहीं करूंगा, अपनी मान सम्मान की बचाने की बात है दोस्तों। तो क्या है पूरी खबर मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। पूरी इस वीडियो का आप देखिए। बेलागंज विधानसभा करो होल्ड करो भूमिहार समाज के खिलाफ जो अशोक चौधरी ने बयान दिया था उस विवादित बयान के प्रति मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग के समाज का जो अपमान अशोक चौधरी जी ने माननीय अशोक चौधरी जी ने किया है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज किस हैसियत से माननीय अशोक चौधरी जी वोट मांगने बेलागंज विधानसभा में आ रहे हैं हमारे समाज से, इसलिए मैं कहना चाहता हूं समाज के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हम लोग बायकॉट करें जनता दल यू का, क्योंकि ये पार्टी भूमिहार विरोधी है। क्योंकि ऐसा वक्तव्य आया है भूमिहार समाज के खिलाफ, इसके बावजूद भी किसी के तरफ से कोई माफी नामा नहीं, कोई अथी नहीं, इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा। और कि इस बेलागंज विधानसभा की बातें बताइए जिसका आप विरोध कर रहे हैं, बाकी गार्जियन हमारे बोलेंगे। मेरा नाम भाई ओंकार, समाज सेवी, बेलागंज विधानसभा क्षेत्र। आज बीच में आज विरोध कर रहे हैं कि जातीय स्तर पर उन्होंने नाम लेकर के राजनीति करना चाहते हैं। एक कैसे बोला कि हो कोई भी जाति हो, हर पार्टी में हर जाति के लोग रहते हैं, करना ही उचित है। लेकिन जिस तरह से अशोक चौधरी जहानाबाद में किसी एक खास यानी खास भूमिहार जाति का नाम लेकर के जो राजनीति करना चाहते हैं वो अपना वो गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। किसी भी पार्टी में किसी भी जाति को रहने से मुझे कोई विरोध नहीं है, हर जाति हर पार्टी में रह सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है। हम भी आप भी पार्टी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, लेकिन किसी एक जाति का नाम लेकर के जो एक सत्ता में रहने वाली जो पार्टी है और वो पार्टी यदि किसी जाति का नाम लेकर के ऐसा काम करते हैं तो ये कुछ घोर नहीं है। वर्तमान समय में बेला विधानसभा क्षेत्र में पुनः ये धूमधामों को दुहाई दे करके वर्तमान में निंदा कर रहे हैं। आप मानिए हो आपका अधिकार है, लेकिन जिस तरह से आप किसी एक जाति का नाम लेकर के आप वोट मांगने का काम कर रहे हैं ये सर्वथानी नहीं है और इसका विरोध होना चाहिए। भूमिहार समाज के प्रति जो अशोक चौधरी का विवादित बयान था, जहानाबाद चुनाव होने के बाद उन्होंने कहा था कि भूमिहार समाज वोट भी देता है, वोट नहीं दिया अति पिछड़ा को वोट टिकट मिलने के बाद, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अशोक चौधरी का जो बयान था तो समझ लीजिए वही वो मतलब ढाक के तीन पात हैं कि अगर फिर से ही करेंगे काम फिर से हम लोग वोट देंगे जनता दल यूनाइटेड और अशोक चौधरी जी के कहने पर तो हम लोग का कितना सम्मान बचेगा। इसलिए सम्मान बचाने की लड़ाई है तो अशोक चौधरी को हम लोग वापस भेजने का काम करेंगे। भूमिहार समाज जिंदाबाद। तो आपने इस वीडियो को देखा दोस्तों, जो भूमिहार समाज के लोगों ने बेलागंज में ठान चुकी है कि एनडीए के प्रत्याशी यानी नीतीश कुमार के प्रत्याशी मनोरमा देवी को वोट है सो देने का
बर्खास्त फैसो कर दिया, यानी वोट नहीं देने जा रहा है। मान सम्मान की बात आ चुका है भूमियारों समाज पर। यह सबसे बड़ी खबर दोस्तों निकल कर के आ रहा, जो मैं आपको अपने चैनल पर दिखाने का काम किया हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें दोस्तों, और फेसबुक पेज पे वीडियो को देख रहे पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।